सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों को लेकर के है। हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि ये फैसला तो एक केस को लेकर के आया है, लेकिन इस फैसले के बाद 50,000 से अधिक कर्मचारी काफी खुश हैं और आगामी समय में राज्य सरकार को इस फैसले को उन कर्मचारियों पर भी जो है वो लागू करना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो जजमेंट है वो उस व्यक्ति के पक्ष में आई है जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जी हाँ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी, हाईकोर्ट से अरुण कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में एक बड़ा फैसला आया है। और इस फैसले में जो लेक्चरर थे अरुण कुमार, 2010 में कमीशन के थ्रू ये लगे थे और 2016 में ये नियमित हुए। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और इन्होंने जो याचिका दायर की थी, इन्होंने नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग की थी। कोर्ट ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है, वरिष्ठता सहित सभी वित्तीय लाभ के आदेश जारी किए हैं। अब इसमें देखिए जो बड़ा फैसला हुआ है, यानी ये जो व्यक्ति था ये कमीशन के थ्रू आया और इसने 6 साल का जो पूरा एक पीरियड होता है रेगुलर होने तक का वो पूरा किया। उसके बाद जो इसको लाभ मिलने हैं, चाहे वरिष्ठता हो अन्य वित्तीय लाभ हो, उसकी जो इसकी मांग थी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी, ये इसके पक्ष में आया है। प्रदेश में 50,000 से अधिक यानी 70,000 के आसपास ये कर्मचारी है और ये सभी कर्मचारी नियुक्ति से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें पिछली जयराम सरकार में भी बड़ा मुद्दा बना था और ये जो कर्मचारी है, पिछली सरकार में अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने 65 बार जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। हालांकि उस वक्त जो है वो इनके पक्ष में फैसला नहीं हो पाया था। वहीं इस सरकार में भी जो है वो सीएम से 3-4 बार ये मिल चुके हैं और सीएम सुक्खू ने इनको आश्वासन दिया है कि ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा मुझे समय दीजिए, जरूर आपकी बात को इस समय में गंभीरता से सुना जाएगा। जो प्रदेशाध्यक्ष संगठन के मुनीष गर्ग, उन्होंने आज यह कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इसे अन्य संबंधित कर्मचारियों पर भी लागू करें। जो प्रदेश के कर्मचारी है वो सबसे बड़ी डिमांड कर रहे हैं, जो इस पूरे समय आते हैं, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सीनियोरिटी की मांग कर रहे हैं 50,000 से अधिक कर्मचारी, इनका यह कहना है कि इससे पहले 2-3 जजमेंट आ गई है और तीनों जजमेंट कोर्ट के जब कोर्ट ने आदेश दिए उसके बाद सरकार को माननी पड़ी है। तो इनका यह कहना है कि अगर सरकार हर किसी व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोर्ट से फटकार आएगी, डिसीजन आएगा, फिर उसके बाद उसको अमलीजामा पहनाया जाएगा, उससे पहले ही राज्य सरकार इसके पक्ष में फैसला ले लें ताकि कर्मचारी जो है वो धन्यवादी रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के। कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को होने जा रही है। हालांकि अभी एजेंडे जो आने हैं इसमें वो अभी बाकी है, लेकिन आपको बता दें 12 बजे शुरू होगी कैबिनेट बैठक और इस बैठक में भर्तियों समेत कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें सीएम सुक्खू भी जब शिमला पहुंचे थे तो इन्होंने बड़ी बात कही थी कि 1 महीने से कैबिनेट नहीं हो पाई है, ऐसे में जो भी कैबिनेट बैठक आगामी समय में होनी है उसमें बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में कई भर्तियां होगी, यानी भर्तियों का जो पिटारा है वो इसमें खुलेगा जो आगामी समय में होनी है। एनटीटी भर्ती पर भी फैसला संभावित है। आपको बता दें पिछली सरकार में, जयराम सरकार में जो एनटीटी भर्तियां थी वो पूरे 5 साल सुर्खियों में रही, लेकिन ये भर्तियां नहीं हो पाई। इस सरकार को भी अब 1 साल होने को है। जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं और उनकी परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कईयों की जो उम्र है वो 50 साल के आसपास हो गई है। अगर ये एनटीटी के थ्रू लग भी जाती, क्योंकि इनके पास डिप्लोमा है, देखिए जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसी अनुसार भर्तियां होगी, ये तय है। अब देखना पड़ेगा जो 1 वर्ष का डिप्लोमा जिनके पास है क्या उनको राज्य सरकार लेती है नहीं लेती है, ये जो है वो अभी इस पर फैसला होना है, कैबिनेट में फैसला होगा। लेकिन एनटीटी भर्ती में जो सबसे बड़ी बाधा बन रही है वो ये बन रही है कि 1 वर्ष वाली जो महिलाएं वो अधिक है, 2 वर्ष वाला इसमें एनसीटी गाइडलाइन में ये कहा गया कि 2 वर्ष जरूरी है। अब देखना पड़ेगा क्या रास्ता इसमें निकाला जाता है। एनटीटी भर्तियां नहीं हो पाई है काफी लंबे समय से, तो अब जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि सरकार इसको जल्द से जल्द करें। देखना पड़ेगा, संभावित है आती है नहीं आ पाती है, ये आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन अभी तक एजेंडे में ये फिलहाल नहीं है। ई चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में जो है वो सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में 107 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, इनमें 53 ई चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंपों पर स्थापित होंगे, 54 स्टेशन परिवहन विभाग स्थापित करेगा। सीएम ने इस पर विस्तृत जो रिपोर्ट है उसको देने को कहा है और प्रदेश में प्रस्तावित 6 ग्रीन कॉरिडोर की भी जो है वो समीक्षा की गई। परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसारपुर, टेरिस, पौंटा, नाहन, सोलन, शिमला, परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, लोसर, मंडी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट, कीरतपुर, केलांग, जो इसके अलावा एक जिंगबार और ग्रीन कॉरिडोर का जो निर्माण है वो इन जगहों
पर किया जाएगा, मनाली केलांग भी इसमें है। तो कुल मिला के देखें नए जो कॉरिडोर है ग्रीन कॉरिडोर राज्य सरकार वो भी बनाएगी। कुल मिला के देखें, आपको मैंने 2-4 दिन पहले खबर बताई थी कि अब राज्य सरकार ई व्हीकल की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं, डीजल वाली जो बसें हैं वो अब नहीं चलेगी। सारी सरकार अब जो महत्वपूर्ण काम कर रही है वो ये कह रही है जितने भी बड़े आला अधिकारी है, विभाग है प्रदेश में, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे, ई व्हीकल जो है वो चलेंगे, ताकि जो है प्रदूषण कम हो सके। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने, हालांकि केंद्र सरकार भी जो है उसमें बड़ी सहायता कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतकाल के बाद अब डिमार्केशन और जो पार्टीशन अदालतें हैं वो की जाएगी। अफसरों के साथ बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। लंबित मामलों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें लगेगी। पिछले माह आयोजित इंतकाल अदालतें सफल रही और पिछले माह 30,000 मामले जो है वो सुलझाए गए हैं सरकार के द्वारा। अभी भी 10,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं, इनका भी जो है वो जल्द निपटारा किया जाएगा। ये बड़ा एक कह सकते हैं जो राहत वाली बात है लोगों के लिए है। और जो नौतोड़ मामले पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के पास यह मामला लंबित है और इस पर राज्यपाल से मंजूरी का जो है वो इंतजार हो रहा है। पहले भी कैबिनेट सिफारिश पर जनजातीय क्षेत्रों को तत्कालीन राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी और इससे उन लोगों को जो है वो बड़ी राहत मिली थी। इस बार भी यही उम्मीद है कि राज्यपाल राहत देंगे। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर के। उत्तरी पूर्वी जो राज्य है और इसके अलावा जो लद्दाख है उसमें सीमा के अंदर जो है वो चीन ने कब्जा कर दिया है, यानी अंदर चीन जो है वो घुस रहा है कई बाउंड्री पर। इस लिहाज से भी जो है वो नौतोड़ जमीन की जो अनुमति है वो बेहद जरूरी है, स्वाभाविक है। अब राज्यपाल का इंतजार है, जैसे ही राज्यपाल इसमें हामी भरते हैं उसके बाद जो लोग हैं उनको ये बड़ी राहत दी जाएगी नौतोड़ की जी। तो उन्होंने ये कहा है मंत्री ने आज की, कहीं ना कहीं किसी से छुपा नहीं है कि कुछ जगहों पर चीन आगे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जो नौतोड़ जमीन है वो बेहद जरूरी है, इसकी अनुमति मिलना एक और बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं आपदा राहत राशि आवंटन की। प्रदेश के हजारों लोग ऐसे हैं जिन तक अभी कुछ जगहों पर जो एक राशि मिलनी है, चाहे वो घर बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए, इसके अलावा जिसका मकान ढह गया, जिसकी छोटी छोटी दुकानें ढह गई। अब जो बड़ा बयान आज मंत्री का आया, आप बता दें आपको, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का इसमें बयान है। उन्होंने कहा है कि 3 जिलों में पैकेज के तहत जो राशि है वो सीएम ने खुद भी बांटी। आपको पता है सीएम कुल्लू भी गए थे, उसके बाद मंडी में भी सीएम ने बांटी, और उसके बाद हालांकि सीएम बीच में बीमार हो गए, अब जरूरी नहीं कि राशि सीएम ही जो है आगे बांटेंगे। अब जो बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है, शेष जिलों में भी निर्देश जारी कर दिए हैं, जो पहले चरण की राशि है वो लोगों को जल्द दी जाएगी। जो अन्य मुद्दे हैं कर्मचारियों में, जैसे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है, इनका मुद्दा भी सॉल्व नहीं हो पाया है। जो प्रदेश के मंत्री है, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बैठक हम करेंगे। जो पंचायती राज विभाग में काफी ऐसे कर्मचारी है जिनको आप जिप कैडर के कर्मचारी कहते हैं, सेक्रेटरी है और भी कई कर्मचारी है, ये विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सेवाएं दे रहे हैं और इनकी डिमांड है कि हमें मर्ज किया जाए डिपार्टमेंट में। जो नया वेतन मान है वो हमें नहीं मिला है, सरकार ने जो है वो ओपीएस भी दे दी है और हम इस ओपीएस से भी बाहर रहे। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, फिर उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं और अभी देखना पड़ेगा अब कब तक बैठक होती है। जो पंचायती राज मंत्री है उनके साथ इनकी बैठक होनी है जिप कैडर कर्मचारियों की, और इनको अभी भी ये आस है कि सरकार इनको लेकर के फैसला लेगी।